Devdutt Pattanaik Season 3. राजा को भगवान का रूप माना जाता है. कुछ राजा अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ दयालु, कुछ अत्याचारी, कुछ शूरवीर और कुछ कायर. आज जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुराणों में राजाओं को और राजत्व को इतना महत्व क्यों दिया गया है. देवलोक में आपका स्वागत है. मैं हूँ रसिका दुग्गल और मेरे साथ हैं वेद पुराण और आख्यान के विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक. देवदत्त, हमारे महाकाव्य महाभारत और रामायण दोनों राज घरानों के बारे में है, राजाओं के बारे में है, मतलब आम जनता के बारे में नहीं है, आम आदमी के बारे में नहीं है, ऐसा क्यों? सो बेसिकली ये कहानी राजा इतनी नहीं है बट समाज व्यवस्था के ऊपर है. और समाज व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और उसके एकदम हेड जो है, जो उसकी सेंट्रल पॉइंट है, जो सबको पकड़ के रखता है, वो है द लीडर. और लीडर यहाँ पे राजा हो जाता है, इसलिए राजाओं की कहानी. देखिए, रामायण महाभारत कब लिखी गई थी? विशेषज्ञों के अनुसार ये कहानियाँ पक्का लिखा बिटवीन 300 BCE एंड 300 AD, मतलब मौर्य साम्राज्य के समय. एक तरफ जहाँ चाणक्य चंद्रगुप्त की कहानी आती है जो हिस्ट्री में हमको पता चलता है, और फिर गुप्त काल जो समुद्रगुप्त होता है, इनके जब राजाए हैं, इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 1000 years का डिफरेंस है, 700 to 1000 years. इस दौरान रामायण महाभारत लिखी गई. क्या स्पेशल है इस पीरियड का? इसके पहले हम देखते हैं कि जब मौर्य काल में दो फोर्सेस थे, एक था जैसे बौद्ध परंपरा, श्रमणों की परंपरा, जो कह रहे थे कि ये दुनिया दुख भरी है, दुनिया को त्याग दो. वो विहार की बात कर रहे, मोनेस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे. धम्म का मतलब हुआ कि इस जिंदगी से मैं मायूस हूँ एंड मैं सत्य की खोज में या तो वन में जा रहा हूँ, मॉनेस्ट्री में जा रहा हूँ. और दूसरी तरफ महत्वाकांक्षी राजाएं थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसार, चाहते थे कि हम कॉन्कर करें दुनिया को, यू नो वी वांट टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड. सो ये दो टेंशन यहाँ पे है. और इस समय लोग पूछ रहे थे कि ये राजा का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ किंग. तो इसलिए रॉयल स्टोरीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. और हम कहानियों को गौर से देखें तो ये राजधर्म की कहानियां हैं. व्हाट डज इट, व्हाट मेक्स अ गुड किंग, एंड क्या महत्वाकांक्षी राजा अच्छा राजा है? और जब हम बुद्ध की कहानी सुनते कि वो भी एक राजा थे जो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके एक गुरु बन गए, एक टीचर बन गए, इज दैट अ गुड किंग जो राज्य का त्याग करता है? तो ये सब बातों को लेके इस संदर्भ में एक महाकाव्यों की रचना हुई. अच्छा, तो उसमें कई बातें हैं, लेकिन इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं. रावण को लंकेश्वर कहते हैं, क्या वो लंका के अच्छे राजा थे कि अभी रावण के बहुत फैन है, यू नो फैन कैसे होते हैं, उनको क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता है. बिल्कुल अच्छा. देखिए, ये जब रामायण की कहानी बता रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि अभी राम अयोध्या के राजा क्यों है, क्या उनको राजा बनना है या वो उनका दायित्व है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इच्छा से राजा है या दायित्व से राजा है? अच्छा. और आप देखोगे कि राम कभी बोलते नहीं कि मुझे राजा बनना है. वो बड़े बेटे हैं रघुकुल के, तो उस समाने में एल्डेस्ट सन वाज गिवन इम्पोर्टेंस. जब उनकी सौतेली माँ कह के कहती है कि नहीं, मेरा बेटा को राजा बनना चाहिए, तो बोलते ठीक है राजा बनने दो. लास्ट में जब वो 14 साल के बाद वापस आते हैं तो वापस पूछते हैं भरत को, आर यू श्योर कि यू वॉन्ट मी टू बी द किंग. मतलब उनको इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, इज नॉट ग्रीडी फॉर दैट, तो एम्बिशन नहीं है. ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी उसको रावण से कंपेयर करते हैं. रावण की इच्छा है राजा बनने की. लंका का निर्माण किसने किया? कुबेर ने किया, उनके भाई ने किया है. और वो उसको हड़पते हैं, ही टेक्स इट फ्रॉम हिम. सो देन फर्स्ट पॉइंट इज दिस. फिर राजा का कर्तव्य क्या है? कि अपने राज्य को संभाले, टेक्स केयर ऑफ हिज किंगडम. यहाँ पे वो ऐसे डिसीशन लेते हैं जिसकी वजह से राज्य बर्बाद होता है, जहाँ पे लंका जलता है, राक्षस मरते हैं, एक युद्ध जो युद्ध नहीं होना चाहिए. युद्ध क्यों हो रहा है? आपने किसी दूसरे की पत्नी को घर लेके आए, वो उसका पति आपको बोल रहा है कि वापस भेज दो, नहीं भेज रहे हो, तो बोलते मैं युद्ध करूंगा, तो कर दो. तो इट इज एन अननेसेसरी वॉर. ये वॉर इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है. उनका इसके साथ कुछ लेना देना है ही नहीं. तो ये राजा अहंकार जहाँ पे होता है वहां राजा अच्छा नहीं हो सकता. राजा प्रजा के लिए है या प्रजा राजा के लिए है? महाभारत में भी यह देखेंगे कि जब युद्ध हो रहा है
ये कोई हस्तिनापुर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, वो ऐसे बात कर रहे जैसे कि राज्य जागीर है, यू नो जमींदारी है ये, ये जमींदारी नहीं है, राज्य को संभालना ये दायित्व है। और ये महाकाव्य बताना चाहते, देखो देखो पांडव और कौरव दोनों, नॉट जस्ट कौरव, कौरव तो विलन है, लेकिन जब गीता की बात हो रही है, जब श्री कृष्ण पांडवों से बात कर रहे हैं, ये बात हमेशा है कि भैया राजा क्यों बनना चाहते हो, तुम हक की बात कर रहे हो, अधिकार की बात कर रहे हो, दायित्व की बात नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, ये राजा बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए विष्णु रूप हमेशा देंगे राजा को। अभी विष्णु जो है, जो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, उसको दरिद्र नारायण कहेंगे, दरिद्र नारायण में गरीबों का देवता, और उनकी पत्नी है लक्ष्मी, धन की देवी, लेकिन वो धन को प्रॉपर्टी नहीं मानते, कहते नहीं लक्ष्मी मेरी है, नहीं बोलते कभी, he says I love लक्ष्मी, she comes to me, मैं उनके पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ, वो मेरे तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मैं धर्म स्थापना कर रहा हूँ, आई एम establishing ऑर्डर, आई एम establishing हार्मनी, मैं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे जितने भी राज्य के सदस्य हैं दे कैन परफॉर्म ब्रिलियंटली। तो जो जुलाहा है जुलाहा का काम अच्छा करेगा, जो पॉटर है वो पॉटर का काम अच्छा करेगा, जो मर्चेंट है वो मर्चेंट का काम अच्छा करेगा। तो मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता हूँ कि लक्ष्मी अपने आप मेरे तरफ आएगी। तो हमने राम राज्य के बारे में सुना है, लेकिन कृष्ण राज्य कभी नहीं सुना, और कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार थे, तो ऐसा क्यों? देखिए विष्णु धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्म एस्टेब्लिश करने के लिए वो अलग अलग रूप लेते हैं, कभी लीडर बनना पड़ता है, कभी फॉलोअर बनना पड़ता है, कभी राजा बनना पड़ता है, कभी एडवाइजर बनना पड़ता है। तो राम इज किंग, कृष्ण इज किंग मेकर। अच्छा। तो और वो यदुवंश से भी है, और यादव वंश के लोग देवर अ फॉर्म ऑफ अ रिपब्लिक। अच्छा। वहां पे राजा नहीं होता था, वो काउंसिल, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से रूल करते थे, और कृष्ण छोटे भाई है, तो ही इज मोर अ गार्डियन ऑफ द्वारका। तो द्वारकाधीश जब शब्द इस्तेमाल होता है, मतलब प्रोटेक्टर, गार्डियन, राजा नहीं। अभी जब जैसे राजाओं के कई चिन्ह होते हैं, जैसे चमर, याक टेल फ्लाइविज जिसको कहते हैं, जो चमर होता है वो राजाओं के लिए होता है, राम के साथ चमर इस्तेमाल होता है, अच्छा। कृष्ण के साथ मोर्चा इस्तेमाल होता है, विच इज मोर के पंख से बना हुआ। अच्छा। सो मोर का पंख दीवान या जो एक स्टेप नीचे होता है उसके लिए होता है, उनका सिंबल, उनका सिंबल है, ही इज लाइक अ किंग बट नॉट अ किंग। अच्छा। तो राजा ओनली राम। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।